हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही सुंदर सा ये साइड पर्स बनाया है। इसमें 3 पॉकेट्स हैं जिसमें आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है और वेस्ट पड़े हुए कपड़े से बनाया है। तो चलिए इस साइड पर्स को बनाना शुरू करते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो अगर आपके पास कोई भी इस तरह की छोटी सी स्ट्रैप पड़ी हो, जो ब्लाउज हम सिलते हैं उनमें से कोई भी स्ट्रैप बच गई हो, तो आज हम इसका बहुत ही अच्छा सा रिव्यू करेंगे, बहुत ही अच्छी से उपयोगी सी चीज़ बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया है, यानी कि अपनी जो स्ट्रैप थी वो ले ली है। तो मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कि कितनी मैंने लंबी से लिया है और कितना चौड़ा लिया है। तो यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है वो है 5.5 इंच और इसकी जो लंबाई है, डबल कर लेते हैं, इसकी जो लंबाई है वो है 32 इंच। 16 है तो डबल करके 32 हो गया। तो इस तरह से हमने ले लिया है। अब हम इसी के नाप से फॉर्म शीट ले लेते हैं और इसी के नाप से हम लाइनिंग ले लेंगे। तो अब हमने लाइनिंग के लिए एक सूट में से पीस कट कर लिया है। तो यहाँ पर सूट में से भी स्ट्रैप कट कर लिया है, वेस्ट पड़ा हुआ सूट था। तो अब हम फॉर्म शीट रखेंगे इसके ऊपर इस तरह से। अब हमने जो मेन फैब्रिक लिया है उसे लेंगे इस तरह के। अगर आपके पास कोई भी हो, कपड़ा इस तरीके का, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अब हम इस तरीके से यहाँ से सिलाई लगाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसे चारों तरफ से सिलकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से सिलाई लगानी है और इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगाकर इसे तैयार करना है इस तरीके से। तो मैं इसे सिल लेती हूँ। तो ये देखिए, चारों तरफ से मैंने इसे सिल लिया है। अब जो भी इसमें एक्स्ट्रा फॉर्म शीट है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इसकी कटिंग कर ली है। तो अब हम इसमें निशान लगाएंगे कि हमें कितने कपड़े को कट करना है और कितना हमें इसमें रखना है। तो पहले हम इसमें से 5-5 इंची की काट लेते हैं। आप 5 की जगह 6-6 की भी कट कर सकते हैं। तो 5-5 इंची पर हम इसमें से एक और हम निशान लगाएंगे इस पर। ये 5-5 इंची की हमने स्ट्रैप कट कर ली है, ये देखिए अलग से। तो इसी तरीके से हम एक और कट कर लेंगे। अब हमने इसमें 2-5 की कट कर ली है, तो एक हम 4 की कट करेंगे। इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, ये देखिए इस तरीके से। तो हमने 1-4 पर इस पर निशान लगा दिया है, तो इसे हम कट नहीं करेंगे। अब हमने इनको कट कर लिया है। अब हम इसके लिए पट्टियां देख लेते हैं इस साइड में लगाने के लिए, यहाँ पर और यहाँ पर। तो अब मैंने ये पट्टी ले ली है, 2 इंची की जितनी पट्टी ली है। अब हम की जितनी भी वो है, इनकी जो चौड़ाई है उस हिसाब से लेंगे पट्टियों को। तो देखिए इस तरीके से। अब हमें पट्टियों को क्या करना है, किसे उल्टा रखना है और इस पर सिलाई लगानी है। और इसी तरीके से हमें इनके साथ भी करना है, इनको उल्टा रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, इस पर मैंने सिलाई कर ली है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे, यहाँ पर सीधी सिलाई कर लेंगे। तो मैं इसे सिल लेती हूँ। तो ये देखिए, इस पर भी मैंने सिलाई कर ली है। तो ये हमारी एक पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से और भी पॉकेट पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर दूसरी पॉकेट पर भी मैंने सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से एक तीसरी पॉकेट पर लगा ली है और इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड में भी लगाकर या सिलाई लगाकर, यानी कि ये पट्टी लगाकर तैयार कर ली है। तो अब हम इस तरह से लेंगे।
तो अब हमने जहाँ से निशान लगाया हुआ है, यहाँ से हमने निशान लगाया है दूसरी साइड में, तो ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर निशान लगाया है। तो यहाँ से हम एक पॉकेट को इस तरीके से रखेंगे, एक को हम इस तरह से थोड़ा सा ऊंचाई से रखेंगे, और दूसरी को हम इस तरीके से रखेंगे, और तीसरी वाली को हम इस तरीके से रखेंगे। तो ये हमारा इस तरह से आएगा, और ये ऊपर से इस तरीके से आएगा, तो एक हमारा पर्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे हम इस तरीके से खोल बंद कर सकते हैं। तो देखिए पॉकेट को मैं आपको फिर से लगाना बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने 4 इंच पर निशान लगा लिया है, तो अब हम एक पॉकेट को इस तरीके से रख लेते हैं इस तरह से। अब हम दूसरी पॉकेट को यहाँ से 1 इंच का गैप छोड़ेंगे और यहाँ पर रख लेंगे। तो इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं, तो पहले हम इस पर लगा लेंगे, फिर उसके बाद इस पर लगा लेंगे, तो दोनों हमारी पॉकेट अटैच हो जाएंगी। उसके बाद हम इसे इस तरीके से सिलेंगे। तो मैं इसे इस तरीके से सिलाई लगा लेती हूँ पहले। देखिए इस पर भी मैंने सिलाई लगा ली है, और इस पर भी मैंने सिलाई लगा ली है, तो ये हमारी दोनों पॉकेट इसमें सिल गई हैं। तो अब हम तीसरी पॉकेट को इस तरीके से रखेंगे। तो इसका क्या करेंगे कि इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे पहले सिलाई, फिर यहाँ पर लगाएंगे, फिर उसके बाद इस तरीके से रखते हुए और इस तरह से सिलेंगे। पहले हम तीनों पॉकेट को सिल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इन तीनों को सिल लिया है। अब हम यहाँ से लेते हुए इस पर पाइपिंग लगाएंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पर पाइपिंग लगाई हुई है, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी पाइपिंग लगा लेंगे। पहले आप स्ट्रैप लगा लें, फिर उसके बाद पाइपिंग लगा लें। तो मैं यहाँ पर कपड़ा कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने स्ट्रैप कट कर ली है। तो अब हम इस तरह से इस साइड से रखते हुए स्ट्रैप को इस तरीके से सिल लेंगे, और इसी तरीके से हम दूसरी साइड में सिल लेंगे। तो मैं इसे सिल लेती हूँ स्ट्रैप को। तो ये देखिए इस साइड में मैंने स्ट्रैप को कट कर लिया है। तो अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो यहाँ से भी हल्का सा इसे फोल्ड कर लेंगे, और इस तरीके से इस तरह से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर इसे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे इस पर। तो ये हमारी पाइपिंग लगकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इस साइड में सिलाई लगा लेंगे, तो ये हमारी पट्टी है वो यहाँ पर सिलकर तैयार हो जाएगी, यानी कि पाइपिंग लग जाएगी। इसी तरीके से हम इस साइड में भी सिल लेंगे। तो ये देखिए एक साइड से हमने इससे पाइपिंग को लगा लिया है, तो ये हमारा अच्छे से फिनिश हो गया है इस साइड से। तो ये हमारा इस तरीके से आएगा, अच्छे से फिनिश हो गया है। तो अब हम दूसरी साइड से भी इसकी पाइपिंग को इसी तरीके से लगा लेते हैं। तो ये देखिए चारों तरफ से मैंने इसकी पाइपिंग लगा ली है, तो ये हमारा कितना ही सुंदर लग रहा है। अगर आपके पास क्रॉस टेप हो तो आप एक यहाँ पर लगा लें, एक को यहाँ पर लगा लें। मैं तो ये देखिए दोनों साइड में मैंने इसे पाइपिंग लगा ली है, और यहाँ पर मैंने क्रॉस टेप को भी लगा लिया है, चिपकाया नहीं है, सिला है, और यहाँ पर मैंने सुई धागे से लगाया है। आप इसको पहले लगा लें यहाँ पर, क्योंकि मैंने बाद में लगाया है, तो मैंने इसे सुई धागे से सिला है। तो इस तरह से ये हमारा खुलेगा, ये देखिए इस तरह से बंद हो जाएगा। तो अब हम इसे फिलहाल साइड में रखते हैं। अब हम स्ट्रैप ले लेते हैं इसमें लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर लिया था इसकी पाइपिंग लगाने के लिए, तो रेड ही कलर से मैंने ये स्ट्रैप कट कर ली है। तो अब हम इसकी लेंथ और विड्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 इंच इसकी विड्थ है। आपको जितनी भी पट्टी है, यानी कि जितनी भी बड़ी आपको स्ट्रैप लगानी है, उतनी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3x42 का हम, यानी कि 4x42 की हमने ये पट्टी ले ली है। तो अब हम इसे फोल्ड करेंगे, तो एक साइड से इस तरीके से इस तरह से, और दूसरी साइड से इस तरह से, और एक फोल्ड और लगा देंगे। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे, तो ये हमारी स्ट्रैप बन जाएगी। अगर आपको और पतली बनानी है तो और फोल्ड लगा लें आप इसमें। ये देखिए पट्टी को मैंने सिल लिया है इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे, और दूसरी साइड में हम यहाँ पर सिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मैं इनको सिल लेती हूँ दोनों को इस तरह से। तो इसे फोल्ड करके लगाएंगे, इससे अच्छी सी फिनिशिंग आएगी इसकी। तो यहाँ पर मैं इसे सिल लेती हूँ, इसी तरह से इस साइड में भी सिल लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर स्ट्रैप को मैंने सिल लिया है, तो ये इस तरीके से आएगा, और ये हमारा
इस तरीके से। तो काफ़ी प्यारा सा ये बैग बनकर तैयार हो गया है, यानी कि साइड पर्स बनकर तैयार हो गया है। इसमें आप मोबाइल और अपने फ़ोन और पैसे वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, आप इसमें काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से, तो आप इसे हैंग करके कहीं भी ले जा सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा ये बैग बनकर तैयार हो गया है। तो आपने देखा होगा, एक छोटी सी स्टेप से हमने कितना ही सुंदर सा ये बैग बनाकर तैयार कर लिया है। और इस बैग को बनाना बहुत आसान है, साइड पर्स को बनाना बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।